हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से समास के बारे में। समास हिंदी का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है समास, इसके बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों। और समास को हम एक आसान ट्रिक में बताएंगे आपको, एक ऐसा ट्रिक जो कि आपको समास रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से आप जो है पूरा का पूरा समास हल कर लेंगे। चलिए देर न करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं समास की तरफ। समास हिंदी का एक चैप्टर है दोस्तों। ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से लोग इसे सोचते हैं कि बहुत ही जो है डिफिकल्ट है, बहुत ही टफ है। आज हम आपको एक ऐसी आसान तरीके से आपको बताएंगे समास। हम आपको समास बताते हैं ट्रिक के माध्यम से। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम आपको पहले बता दें एक समास का मेन मुद्दा क्या है। सबसे पहले समास जानने से पहले ये जानना चाहिए आखिर समास होता क्या है। तो हम आपको बताएं, समास शब्द का अर्थ होता है घटना या संक्षिप्त करना या कम करना। जी हाँ दोस्तों, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करने वाला, उसे समास कहते हैं। ये तो किताबों में लिखा है। इसका मतलब यह है, सीधा सीधा समास का मतलब यह होता है घटना या कम होना, यानी दो पदों का ऐसा संक्षिप्त अर्थ जो होता है उसे समास कहते हैं। परिभाषित तौर पर कहा जा सकता है कि जो दो पदों का संक्षिप्त रूप ही समास है, यानी कि जो दो पद है उसका अगर कोई छोटा सा रूप है वह समास होता है। जी दोस्तों, हम बात करते हैं समास। समास सबसे पहले जो है एग्जाम में पूछता क्या है, समास के कितने भेद होते हैं। हम आपको पहले ही बताए हैं कि हम आपको एग्जाम में बताते रहेंगे, एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे पूछता है। आप वीडियो को पूरा देखें, हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले पूछेगा समास के क्वेश्चन कैसे पूछता है। समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आपसे क्वेश्चन में दे देगा एक, दूसरे में दे देगा दो, तीसरे में दे देगा चार, और उसके बाद दे देगा चौथे में आपको छह। अब इसी से आपको पूछेगा कि समास में कितने भेद होते हैं। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि समास में कितने भेद होते हैं, तो हम आपको बताते हैं समास में कुल 4 भेद होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब अभी हम आपको बताते हैं। कि तब तक लाइक करना ना भूले दोस्तों। ये देखिए, हम आपको बताएं समास के मुख्य रूप से, समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अब चारों, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे कौन सा है। 4 भेद होते हैं, इतना आप जो है दिमाग को बैठा लीजिए मुख्य रूप से। अभी हम आगे आप और बताएंगे कि संस्कृत में कुछ चीजों को जोड़ के 6 बता दिए हैं, कुछ अधिक कर दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है द्वंद्व समास होता है, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, यही और चौथा होता है हमारा अव्ययी समास। अव्ययी समास, जी हाँ दोस्तों, ये जो है मुख्य रूप से यही चार समास जो है होते हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किसमें से कैसा बनता है हम अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक एक समास को जो है लेकर चलते हैं और बीच में बताते रहेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपका जो है 3 से 4 प्रश्न एग्जाम हॉल में फंसना अनिवार्य है दोस्तों। ये देखिए 4 होते हैं मुख्य रूप से, द्वंद समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास। जय दोस्तों, अब हम इसके बारे में एक एक चीज करके हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि मुख्य रूप से 4 होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन अभी किसी से अगर आप मुलाकात करेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो 4 नहीं 6 होते हैं। अब 6 कैसे होते हैं ये बताएं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी में जो है 4 होते हैं, कैसे होते हैं अब हम बताएं। प्राचीन विद्वानों ने द्विगु समास और कर्म धारण समास को, प्राचीन जो विद्वान है वह द्विगु समास और कर्मधारक समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान विद्वानों ने उन्हें अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिए। वैसे समास के सिर्फ 4 ही भेद हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने बताया द्विगु समास और कर्मधारक समास, दोनों को द्विगु समास और कर्मधारक समास जो है दोनों को जोड़कर तत्पुरुष समास कर दिए थे, लेकिन अब जो है उसे अलग अलग कर दिए हैं। तो अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर हमें ऐसे ही सारा नॉलेज हो जाए बिना पढ़े रट्टा मारे बिना तो क्या जरूरत है। जय दोस्तों, अब हम चलते हैं आपको एक एक करके बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आपको द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास के परिभाषा और क्या होते हैं और इसको शॉर्ट में कैसे पहचाना जाता है। मेन मुद्दा इसका यह होता है कि आखिर समास को पहचाने कैसे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाएगा कैसे, इसका मेन मुद्दा ये होता है दोस्तों। तो हम आपको पहचानना भी बताएंगे और एग्जाम हॉल में क्या पूछता है ये भी बताएंगे। द्वंद्व समास की पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा या लॉग डॉट, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप हो उसे विग्रह समास कहते हैं। या दोस्तों, अब जिस लॉन्ग डॉट का मतलब समझ रहे हैं, सीधा हम आपको बता दें हाँ कि लॉन्ग डॉट का मतलब क्या होता है। जैसे द्वंद समास बहुत ही आसान है, जैसे माता, ऐसे उसके बाद पिता, माता और पिता। और दूसरा हम दे देते हैं बहन, भाई, और उसके बाद दे देते हैं वे या वे। जी दोस्तों, ये देखिए आपको 3 उदाहरण दिए हैं। द्वंद्व समास का पहचान यह होता है कि जिस 2 शब्दों के बीच में लॉग डॉट का प्रयोग होता है वह हमेशा द्वंद्व समास होता है। देखिए दोस्तों, ये माता और पिता के बीच में क्या है, लॉग डॉट। बहन और भाई के बीच में क्या है? लॉग डॉट। ये और वे के बीच में क्या है? जिस भी शब्द में अगर ये लॉग डॉट आ रहा है इसका मतलब है कि ये हमारा द्वंद्व समास में है दोस्तों। और अगर इसका आसान ट्रिक में बताएं कि अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे पता करेंगे? आप तुरंत ट्रिक बता रहे हैं, आप तुरंत जो है खुद से सवाल करिए जिसमें और शब्द अगर आ जाए तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, और आया माता और पिता, बहन और भाई। इसका मतलब यह है कि जैसे आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से पूछिए, अगर उसमें और शब्द आ गया तो जान लीजिए कि वह द्वंद्व समास। जैसे किसी ने कह दिया माता पिता तो आप कंफ्यूज है, आप तुरंत क्वेश्चन कीजिए माता और पिता, यानी कि और शब्द आया तो वह अपना द्वंद्व समास हो गया। जैसे बहन और भाई, ऐसे ही एक होता है लाभ, लाभ और हानि, इसमें भी आया आपका। इसीलिए दोस्तों जिसमें और शब्द आए वह हमेशा द्वंद्व समास होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे समास की ओर, उसके बाद हम आपको ये ट्रिक याद रखिएगा कि जिसमें भी और शब्द आए वह हमेशा द्वंद्व समास ही होगा। और दूसरा हम लेकर चलते हैं, आपको बताएं कि द्विगु समास। द्विगु समास आखिर द्विगु समास क्या होता है? इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है जो विग्रह करने के बाद स्पष्ट होता है। जी दोस्तों, द्विगुवाचक जो समास है ये बहुत ही आसान है। क्या आसान है? इसमें संख्या जरूर होगा, इस समास में संख्या शब्द जरूर हो गया। अब संख्या की बात करें तो क्या सीधा सीधा गणित में चलते हैं, यानी कि मैथ में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो मैथ के जो संख्या होते हैं, अंक होते हैं, यह द्विगु समास में अवश्य होगा। अगर द्विगु समास में यह संख्या आ गया, कोई किसी भी समास में अगर संख्या आ गया और आपसे पूछता है कि यह कौन सा समास है तो आप देखकर तुरंत बताइए कि इसमें तो संख्या है, इसमें तो संख्या है। अनिल सर ने बताया था कि जिसमें भी संख्या हो वह हमेशा और हमेशा द्विगु समास होता है। अब इसका उदाहरण देखिए कैसे होता है। जैसे इसका उदाहरण है, हम लिख रहे हैं, आप लोग खुद ही बताइएगा, पंचवटी, पंचवटी। दूसरा उदाहरण है नवग्रह, नवग्रह। तीसरा उदाहरण है चौराहा, चौराहा। दोपहर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने अभी बताया कि इसमें गणित के संख्या होंगे, लेकिन आपने तो कोई संख्या लिखा ही नहीं। इसमें तो आपने पंचवटी लिख दिया, नवग्रह लिख दिया, चौराहा लिख दिया, दोपहर, सारा का सारा हिंदी लिख दिया, इसमें संख्या तो है नहीं। क्या दोस्तों, इसमें संख्या है। मैंने क्या बताया, विग्रह करने पे, इसको अलग करने पे समास सबसे पहचानने का सबसे आसान सा ट्रिक है, जब भी किसी चीज को देखो आप, देखते ही आप खुद से सवाल करो, खुद से सवाल करो। जैसे ही आप खुद से सवाल करेंगे आपका समास वही बताएगा, आप ही बताएंगे कि समास आखिर कौन सा है। जैसे मैंने बताया कि द्विगु समास में हमेशा ही संख्या होता है, संख्या होता है, मैंने बताया ये सही है। कोई भी अगर द्विगु समास का कोई शब्द है तो वह सदैव, दुनिया का कोई भी शब्द हो, उसमें संख्या जरूर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो संख्या लिखा नहीं, अब कब से बोले जा रहे हैं कि संख्या होगा, संख्या होगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, पंचवटी। अब आप खुद से सवाल करिए कितने वटी, वो बोलेगा पंचवटी, यानी कि पांच वटी। पंच को पांच कहते हैं, पंच को पांच कहते हैं, यानी कि यह पंच पांच संख्या को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, पहले बताइए, दर्शा रहा है ना। हाँ, अगर दर्शा रहा है तो ये पंच जो है पांच संख्या को दर्शाया, यानी कि यह संख्या हो गया क्लियर। अगर इसमें पंचवटी आ गया, पांच संख्या आ गया, तो यह हमारा क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ऐसे ही नवग्रह, आप तुरंत सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, या जो एग्जामिनर ने दिया है पेपर, पेपर से सवाल कीजिए। उसने कह दिया नवग्रह कौन सा समास है, एग्जाम हॉल में ऐसे पूछेगा नवग्रह कौन सा समास है, आप तुरंत क्वेश्चन कीजिए कितने ग्रह, वह कहेगा नवग्रह। नौ क्या हो गया हमारा, संख्या हो गया। जैसे ही उसने सवाल करते ही आपको संख्या मिले, कितने ग्रह, नवग्रह, नवग्रह मिलते ही वो क्या हो गया अपना द्विगु समास। और उसके बाद आया चौराहा। चौराहा आता ही आप तुरंत क्वेश्चन कीजिए कितने राह, वो कहेगा चौराहा, यानी कि चार राह, चार राह। चौराहा किसी का जिसमें भी चार आया, जैसे ही चार आया ये क्या हो गया अपना द्विगु समास हो गया, क्योंकि द्विगु समास में हमेशा संख्या का बोध होता है। अब यहाँ हमें संख्या मिला। ऐसे आया दोपहर। जैसे ही दोपहर कोई कहे या कहीं लिखा मिले, आप तुरंत उससे पूछिए कितने पहर, वो कहेगा दोपहर, यानी कि दो कहा, मुंह से उसने दो शब्द कहा और तुरंत आप समझ लीजिए कि जैसे उसने दो कहा यानी कि संख्या बोला, संख्या बोला और ये उठ के क्या हो गया, तुरंत ही द्विगु समास हो गया। इसी तरह जो है, अब इसको ये तो हो गया संख्या से। और कोई लोग और तरीके से भी बताते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, वो भी आप लोग जान लीजिए कि वो कंफ्यूज आपको कैसे करते हैं। जैसे पंचवटी, अब वो आपको कैसे बताएंगे, पांच वाटिकाओं का समूह बताएंगे, पांच वाटिकाओं का, वाटिकाओं का समूह पंचवटी कहलाता है। अब जब तक हम कहेंगे कि पांच वाटिकाओं का समूह, तब जाके हमें पता चलेगा कि द्विगु समास है। क्या मतलब है, सीधा सीधा पूछिए। अगर उसने पांच संख्या का नाम लिया, तुरंत समझ जाइए कि द्विगु समास है। उसके बाद नवग्रह, तो क्या आपको बताया जाएगा, नवग्रहों के समूह को नवग्रह कहते हैं। इतना लंबा ले गए, जैसे नवग्रहों के समूह को नवग्रह कहते हैं। इतने होने के बाद जैसे ही आपने नौ पढ़ा, देखा, सुना कि नौ है यानी कि संख्या है, तो आप तुरंत समझ जाइए ना कि द्विगु समास है। उसके बाद चौराहा, चार रास्तों के समूह को चौराहा कहते हैं। दोपहर, दोपहर का होता है दो प्रहरों का समूह, दो प्रहरों का समूह को दोपहर कहते हैं। इससे सीधा सीधा ये अर्थ है मेरे कहने का, जिसमें भी संख्या का बोध हो वह आप समझ लीजिए कि द्विगु समास है। पूरा इतिहास जानने से आपको क्या फायदा है। अब हम बात करते हैं तीसरे समास के बारे में। तीसरा समास है हमारा बहुग्रीही समास। तीसरा समास है चलिए तीसरा समास हम तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के हम आपको परिभाषा बताए। इस समास में पूर्व पद सहायक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं जो कि विग्रह करने के बाद स्पष्ट होता है। इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये किताबों का चीज है। हम आपको बताएं तत्पुरुष समास में जो होता है, इसमें पहला पद, जो पहला पद होता है वह सहायक होता है। सहायक, सहायक का शब्द को आपको मतलब है सहायक यानी सहायता करने वाला, यह मेन नहीं होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। अब आप बात करेंगे आखिर प्रधान और सहायक क्या होते हैं। इससे प्रधान मतलब उसके पास पावर है, वह जो कहेगा उसका जो सहायक होगा वो वही करेगा। यानी कि इसमें जो पहला आएगा वह सहायक होगा, दूसरा प्रधान। जैसे किसी कार्य को करने के लिए सब लोग किसे भेजते हैं, अपने साथ वाले को भेजते हैं कि जाओ, तो पहले वो चला जाता है। अगर उससे काम बना तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर वो आते हैं जो मेन होते हैं। ऐसे ही दूसरा पद इसमें प्रधान होता है यानी कि मेन होता है। पहला पद हमारा सहायक होता है। अब इसका जो है कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानने का हम आपको बताएं। जैसे कोई शब्द दिया रहता है राजपुत्र, राजपुत्र, राजरानी, राज रानी, और कोई दे दिया जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द मान लीजिए, जैसे कर मुक्त ही कर लीजिए, कर मुक्त कर लीजिए। कोई और शब्द अगर आपको जाता है राजधर कर लीजिए। छोड़िए हम इतने में आपको बता दें, आप समझ जाएंगे। जैसे राजपुत्र, अभी मैंने बताया पहला पद सहायक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है यानी दूसरे पद का महत्व होता है। जैसे इसमें है दूसरा पद और पहले पद, दोनों को जोड़ देंगे। अब मैंने आपको पहले ही बता रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको जैसे ही कोई शब्द मिले आप तुरंत उससे सवाल कीजिए, आपका समास तुरंत ही मालूम हो जाएगा। जैसे राजपुत्र है तो राजपुत्र में आप क्या करेंगे, किसका पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। आपने सवाल किया कौन सा समास है ये बताया, राजपुत्र दिया है, आपने सवाल किया किसका पुत्र। जैसे मैंने बताया ना पहले जो सहायक जाता है उसके बाद में दूसरा पद प्रधान है, आप प्रधान को ही, जैसे राजपुत्र, आपने पूछा किसका पुत्र है तो आपने तुरंत जवाब आएगा राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र जो होता है वह राजपुत्र कहलाता है। ऐसे राजरानी, किसकी रानी, राजा की रानी, राजा की रानी जो है राजरानी कहलाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें कर मुक्त, कर मुक्त क्या, किससे मुक्त, सवाल कीजिए ना किससे मुक्त, तो तुरंत आएगा कर से मुक्त। कर से मुक्त को कर मुक्त कहते हैं। जैसे ही आपको अगर कहीं पे एक शब्द दिया है, जैसे राजपुत्र दे दिया और पूछ रहा है कौन सा समास है, तो आप समझ जाइए, तुरंत आप उससे सवाल कीजिए राजा का पुत्र मतलब किसका पुत्र, तो आपको जवाब आएगा राजा का पुत्र। यानी कि दूसरा पद, दूसरे पद से ही पता चल रहा है ये पुत्र किसका है। राज रानी में रानी किसकी है नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने सवाल किया तुरंत मालूम हुआ कि राजा की रानी। ऐसे ही जो है आप सवाल कीजिए और तुरंत ही आपको जो है ये आंसर मिलेगा। जहां दोस्तों, और यहीं पे तत्पुरुष समास नहीं होता, खत्म। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के जो है भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। जहाँ दोस्तों हम आशा करते होंगे कि ये आप समास समझ गए होंगे। अगर आप इससे आसान ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट करें, हम आपको इससे भी आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर क्या कैसे इसे सॉल्व करेंगे। और तत्पुरुष समास के भेद को हम जो है अपने अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे मेरे साथ, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों कमेंट करें, हम आपको इससे भी आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों।